तो अभी मेरे पास है ब्रांड न्यू XPS 30 कीबोर्ड, जिसे अभी मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, नया परचेस करके लाया हूँ शॉप से। इसका रेट कितना है, कैसे काम करता है, किस तरह का ये बजता है, और 10 और 30 में क्या अंतर होता है, ये सब चीज़ जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। तो इसे हम लोग अभी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। इसके अंदर मिलता है एक वार्निंग कार्ड, उसके बाद मिलता है हम लोग को एडाप्टर, जिसके बदौलत ये लैन से कनेक्ट होकर चलेगा। अब ये हमारा कीबोर्ड है जिसे हम अभी ओपन कर रहे हैं और आपको बजा के दिखाएंगे कि इसके अंदर का टोन कैसे होता है और बैकअप डालने के बाद इसका टोन कैसे हो जाता है। तो चलिए इसको सिस्टम से पहले जिस तरीके से फिट होता है उस तरीके से फिट कर लेते हैं। तो ये हम अभी लगा रहे हैं इसका एडाप्टर, और इसका जो पावर बटन है वो बैक साइड दिया रहता है, तो पावर बटन हम यहाँ पे ऑन कर लेते हैं। उसके बाद हम इस पे डालेंगे लेफ्ट राइट केबल, एक में भी बजता है लेकिन लेफ्ट राइट LR दोनों में लगाने से ज्यादा अच्छा बजता है। आप सबने जैसे कि देखा, मैंने 30 कीबोर्ड XPS 30 नया खरीदा है और इस पे मैं आपको कुछ जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप भविष्य में लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको डिटेल बताता हूं कितना प्राइस पड़ा, कैसे कैसे ये वर्क करता है, सब चीजों को आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो जो 10 कीबोर्ड रहता है उस पे जो ऑन ऑफ का बटन रहता है ना, वो इधर साइड पे यहाँ पे सामने पे दिया होता है, इसका जो है पीछे रहता है, इधर बटन रहता है। तो इसको मैं ऑन कर दिया तो ये डिस्प्ले जो है ऐसा वो ऑन हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा लाइट बिलिंग होगा, जब स्टेबल हो जाएगा लाइटिंग उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। तो इसका जो मेन जो टोन रहता है, जो इसमें दिया गया रहता है, उसको पहले चेक कर लेते हैं। ये कुछ टोन रहता है जो किसी काम का नहीं रहता, इसीलिए हमको बैकअप का जरूरत पड़ता है। ये स्ट्रिंग है जो मजेदार नहीं है, जो भी 10 और 30 कीबोर्ड जितना भी आता है ना, उस पे जो टोन होता है वो मजेदार होता ही नहीं है। इस पे डिले विले जो है अच्छे से नहीं रहता है, इसलिए अच्छे से नहीं बज पाता, तो हमको जो है बैकअप का जरूरत पड़ता है। तो बैकअप को हम कैसे यूज करते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए पैच परफॉर्मेंस है, मैंने बैकअप इस पे इंस्टॉल कर दिया ऑलरेडी, तब मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप नया परचेस करके लाते हैं तो आपको बैकअप जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी बैकअप ये पैच परफॉर्मेंस, फेवरेट, बैंक, ये सब तभी काम करेगा जब आप इस पे बैकअप इंस्टॉल कर लेंगे। बैकअप कैसे इंस्टॉल करते हैं उसका ऑलरेडी वीडियो कई सारी यूट्यूब पे हैं, जिनको देख के मैंने अपना बैकअप इंस्टॉल कर लिया है। चलो आगे का जानकारी आपको देता हूं। तो सबसे पहले हम पैच परफॉर्मेंस ऑन कर लेंगे, फिर फेवरेट, बैंक, जीरो का जीरो। ठीक, तो बैंक जीरो का जीरो नंबर में जो टोन है वहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग सेट करके रख दिया है, इस प्रकार। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए बेंजो है, यहाँ पे है ये कुछ वीना टाइप का सितार है, ये डुअल सितार। अलग अलग टाइप का टोन आता है, जैसे मेरे पास जो टोन है ना, ये स्टूडियो वर्जन का, स्टूडियो का बैकअप है, ये स्टूडियो में यूज करने के लिए टोन है। जैसे आप भजन प्रोग्राम में बजाना चाहते हैं तो उसका अलग बैकअप आता है। तो मैंने अभी इंस्टॉल करके जो रखा है, मेरे पास 2-3 बैकअप है, लेकिन अभी फिलहाल स्टूडियो में वर्क करने करके मैं स्टूडियो वाला जो है इस पे स्टूडियो वाला बैकअप इंस्टॉल करके रखा है। Thank you.
यहाँ पे हारमोनियम, अभी हाँ जो इस पे जमा नहीं है, जमेगा तो हम और आपको काफी सारी चीजें सिखाएंगे। ये है डी फ्लूट। इस प्रकार ठीक है, यहाँ पे और ओबे है, तो बहुत सारे टोन है ऐसे, तो इसका फंक्शन जो है ऐसे वर्क करता है। 10 से अगर कंपेयर करें तो फिर 30 जो है वो थोड़ा अच्छा है 10 से। इसका जो टोन क्वालिटी है ना वो बेस्ट है, 10 कीबोर्ड से थोड़ा सा बेस्ट है। और इसका प्राइस भी उससे ज्यादा है ना, 20-21 हजार रुपए का ज्यादा प्राइस है। मतलब 10 अभी जो है 50 हजार पे मिल जा रहा है, लेकिन 30 का जो प्राइस है वो 71 हजार हमारे तरफ चल रहा है। अलग अलग दुकान पे अलग अलग रेट है, लेकिन 71 हजार पे अभी यहाँ पे मिल रहा है। तो ऐसा कुछ बात है, और काफी सारे फंक्शन दिए गए हैं जो कि मुझे अभी पता नहीं है। जो पता चलता जाएगा तो मैं आपको और भी सारे चीजें सिखाता रहूंगा 30 पे। तो आपसे आपको 30 पे ही वीडियो देखने को मिलेगा। बैकअप वैकअप अगर आपको चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप करें, डिस्क्रिप्शन में या कहीं पे भी मेरा नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर, तो व्हाट्सअप कीजिए, बैकअप आपको दे दिया जाएगा। तो देख सकते हैं आप, कुछ इस प्रकार का है मेरा 30 कीबोर्ड, नया खरीदा हूँ अभी। मुझे ज़्यादा कुछ इसमें आता नहीं है, जब मैं सीख जाऊँगा तब मैं आप लोगों को और भी काफ़ी सारी चीज़ें सिखाऊंगा। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।